हेलो गाइस, वेलकम टू जावा ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिंग क्लास के इनसाइट जो टू केयर अरे नेम का मेथड होता है उसका यूज हम जावा प्रोग्रामिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए हम एक रियल एग्जांपल बनाकर समझेंगे। तो गाइस, इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिया है यशपाल, और मैं चाहता हूं कि इस स्ट्रिंग को मैं अरे कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट कर दूं। तो इसके लिए मुझे ज़रूरत रहेगी टू केयर अरे नेम की मेथड की। तो किस तरीके से हम इसको कन्वर्ट करेंगे अरे में, कैरेक्टर अरे में, तो आप S1 रेफरेंस से कॉल करेंगे टू केयर अरे नेम की मेथड को। जैसे आप इसको कॉल करेंगे तो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो कैरेक्टर अरे होता है। तो आप इसको कैरेक्टर अरे के रेफरेंस में ले लेंगे। यहाँ अरे का नेम मैंने CH रखा है। अब होगा ये कि इसके इनसाइड जितने भी कैरेक्टर हैं, जैसे YASHPAL, ये सारे कैरेक्टर अरे के फॉर्म में आ चुके हैं। अब मुझे इनको निकालना है, तो मैं यहाँ पर फॉर लूप यूज़ कर रहा हूँ, और लूप मैं इंडेक्सिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होता है, और आपको पता ही है कि अरे में इंडेक्सिंग के बेसिस पे एलिमेंट इंसर्ट होते हैं और इंडेक्सिंग के बेसिस पे ही निकलते हैं। तो यहाँ मैंने 0 से इसे इनिशियलाइज़ किया, और मुझे अगर अरे का लेंथ निकालना है यहाँ पर, तो मैं लेंथ नेम का प्रॉपर्टी कॉल करूँगा। इसके बाद मुझे यहाँ पर प्रिंट करवाना है, तो मैं system.out.println स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। और मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे जो अरे का नेम है यानी कि CH of i इस तरीके से लिखना है। बस मैं रन करके चेक करके बताता हूँ आपको, ये कैरेक्टर अरे के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। सारे कैरेक्टर अलग अलग हो चुके हैं इस स्ट्रिंग के, और अब ये एक एक करके निकल जाएंगे इस तरीके से। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर YASHPAL इस तरीके से। तो अगर आपको जावा प्रोग्रामिंग के इनसाइट इस तरीके से किसी स्ट्रिंग को कैरेक्टर अरे में कन्वर्ट करना हो तो आप इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।